खबर है मिर्जापुर से। नगर पालिका अध्यक्ष मनोज जायसवाल ने दो और प्राथमिक विद्यालयों का किया लोकार्पण। सिटी कोतवाली के टाउन हॉल और विजुंदरपुर में बहुमंजिली विद्यालय का किया जीर्णोद्धार। जी हां, नगर पालिका अध्यक्ष मनोज जायसवाल बुधवार को भी दो और प्राथमिक विद्यालयों का लोकार्पण किया। नगर पालिका अध्यक्ष ने जहां बीते मंगलवार को तीन प्राथमिक विद्यालयों का लोकार्पण किया, वहीं बुधवार की सुबह सिटी कोतवाली स्थित टाउन हॉल प्राथमिक विद्यालय और विजुंदरपुर स्थित बहुमंजिली विद्यालय का लोकार्पण किया। टाउन हॉल प्राथमिक विद्यालय में जहां तीन कमरे और बरामदा का नव निर्माण कराया गया, सभी कमरों में टाइल्स और मार्बल्स भी बिछाए गए। विद्यालय में एक शौचालय का भी निर्माण करवाया गया है। बता दें, वही बहुमंजिली विद्यालय में पहले से बने कमरों में टाइल्स और मार्बल्स बिछाए गए, रंगाई पुताई का कार्य भी करवाया गया। इसके साथ ही विद्यालय के प्रांगण में बाउंड्री वॉल, इंटरलॉकिंग और ग्रिल लगवाने का कार्य नगर पालिका अध्यक्ष द्वारा करवाया गया। बता दें, नगर पालिका अध्यक्ष ने कायाकल्प योजना के तहत कुल 18 विद्यालयों की तस्वीर बदलने का फैसला लिया था। अधिकारियों को जल्द से जल्द इन प्राथमिक विद्यालयों की तस्वीर बदलने का निर्देश दिया। नगर पालिका अध्यक्ष ने कहा, अभी कई ऐसे और विद्यालय हैं जिनके निर्माण और जीर्णोद्धार का कार्य चल रहा है। इस मौके पर सभासद विजय यादव, सिटी उत्तरी मंडल अध्यक्ष महेश गुप्ता, महेश वर्मा, मनमोहन गर्ग, पूर्व सभासद सुरेश तुनकर, राम सिंह, रवि सिंह पटेल, नगर अभियंता विपिन मिश्रा, नगर खंड शिक्षा अधिकारी आशुतोष तिवारी, अवर अभियंता सुनील मौर्य, मनोज सोनकर सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। मिर्जापुर से मलिक खान की रिपोर्ट। जीर्णोद्धार, स्कूलों का मरम्मत, पेंटिंग, ये सब कुछ उसमें प्रपोजल में दिया, जिसके कारण हमने 15 वित्त में प्रस्ताव लेके स्वीकृत करा के काम कराया। आज उसी का उद्घाटन है। और ऐसे नगर में 18 स्कूलों को हमने व्यवस्थित करने का काम किया है, और आने वाले समय में जो भी काम छूटे हैं उसे भी हम, जो पैसा हमारे पास बजट आने वाला है उससे हम उसका भी विकास कराएंगे। मेरा मुख्य उद्देश्य है कि शिक्षा का स्तर ऊंचा उठे, बच्चों को किसी भी तरह की कठिनाई न हो। और इसके लिए हम सबसे बड़ा अगर धन्यवाद दें तो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने जो चार जनता के मुख्य मांगे, सिंचाई, दवाई, पढ़ाई और कमाई, ये चारों के बारे में सोचकर आज भारत को विश्वगुरु की ओर आगे बढ़ाया है। मैं उनको बधाई देता हूँ।